गाइस, मैं हूँ फेयर और मैं हूँ हैंडसम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फेयर एंड हैंडसम। तो देखते रहिए, हम आपका एंटरटेनमेंट जारी रखेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना। गाइस, सुबह के वक्त यहाँ 8 और आज है संडे, लेकिन मेरी बेटी का क्लासेस आज भी चालू है क्योंकि संडे के संडे उसका पेपर रहता है, तो उसको अभी छोड़ कर आ रहा हूँ। अब चलते हैं, करते हैं नाश्ता पानी और आज का क्या शेड्यूल है बताएंगे आपको। कहीं तो जाने वाले हैं बाहर, तो लेकर चलेंगे आपको घूमने के लिए। तब तक मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और हाँ, बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना, नहीं तो आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। चलिए, लिफ्ट भी आ गई। तो गाइस, ये चीटिंग है। देखो, जाने वाला मैं था मुंबई और जा रहा है। उसकी मम्मी बोल रही है आज संडे है, थोड़ी हेल्प करो, उसके बाद जाओ, नहीं तो मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ। लेकिन बेटे को नहीं बोलेंगे हेल्प करो। हाँ भाई, दोस्त लोग 6 महीने बाद मिल रहे तो क्या करें। दोस्त लोग के साथ में निकल रहा है और वो भी देखो बोल रहा है छोड़ के आओ मुझे स्टेशन तक। चलो भाई, छोड़ के आते हैं। सो गाइस, ये ऋषभ के दोस्त आ गए। ऋषभ और कौन कौन आने वाला है? ऋषभ थोड़ा सा हाइट में जा रहा है, ऋषभ आपसे थोड़ा सा हाइट में जा रहा है ना, लेकिन बॉडी नहीं बना रहा है ना। तो चले निकले हम। सो गाइस, ऋषभ को छोड़ दिया मैंने स्टेशन पे और अभी निकल रहा हूँ घर पे। सिमरन की क्लासेस से फ़ोन आया कि उसको उसका पेपर हो गया, आ जाओ लेने के लिए। जा रहा हूँ लेने के लिए और देखो क्लाइमेट एकदम से चेंज हो गया, बारिश हो रही है हल्की हल्की। चलिए सिमरन को लेकर आते हैं। सो गाइस, देखो इसको मैं क्लासेस से लेकर आया और अभी आते आते बोल रही है मुझे समोसे खाने हैं, तो अभी समोसा लेने के लिए आया है। और इधर गरम गरम कुछ तो निकल रहा है। तो भाई लोग देख रहे हो मेरी ड्यूटी कैसी है, संडे को भी आराम नहीं है। सोचा संडे को कम से कम 9-10 बजे सो के उठूँगा आराम से, पूरे एक हफ्ते की नींद कंप्लीट करूँगा, लेकिन नहीं, सुबह टाइम तो उठना है तो उठना है क्योंकि बच्चों को जाना रहता है। तो इसका हर संडे एग्ज़ाम रहता है सिमरन का, इसलिए उसको जाना ही पड़ता है। हो गया बिट्टू, मम्मी को दे देना, मम्मी का ही पैसा है। आज नाश्ते में मम्मी ने समोसा खिलाया। तो भाई देखो, मुझे जाना था कहीं बाहर, लेकिन मिसेज बोल रहे हैं पहले प्याज काट दो, बारीक बारीक अदरक काट दो, क्योंकि मुझे खाना बनाना है। तो यार करना पड़ता है, क्या करूं। देख रहे हो भाई कितना काम करना पड़ता है मुझे, लेकिन अच्छा लगता है यार काम करना, मज़ा आता है काम करने में। आप अपनी वाइफ की हेल्प करते हैं या नहीं, कमेंट जरूर करना। क्या कर रही हो? बटन धो रही। कितने सारे बर्तन धोए और दूध देखो भाई, 2-3-5 पैकेट दूध पड़ा है, लेकिन हमें दूध नहीं मिलेगा पीने के लिए। नींद आ रही है और ये तो माँ का लाडला है, देखो आगे पीछे घूम रहे हैं इसके। देखो भाई, सोचा आज संडे है आराम करूँगा, लेकिन काम दे दिया। इसमें से राशन कटिंग करके डब्बे में डालो। ये भी पूरा पड़ा, एक और लेके आ गई, एक सेकंड। और मुझे जाना था कहीं घूमने। दिमाग मत खराब करो। हाँ, डब्बा ले आके दो। हाँ, क्या बस। देखो भाई कितना काम करता हूँ यार मैं।
सो गाइस जो काम मुझे दिया गया था मैंने वो कंप्लीट कर दिया है, अब बाकी काम इनका है झाड़ू वीडू मारने का। इनका कहेगा काम करो तो क्या काम करूं? अभी क्या पूरा दिन काम ही करते रहेंगे? आज संडे है, थोड़ा तो आराम करने दो। हाँ ठीक है, सब लोग सो जाओ, आज है संडे, आराम करने का डे है। लेकिन भाई हमें आराम आराम नहीं है, संडे को उल्टा ज़्यादा काम होता है। चलो चलते हैं मार्केट में, कुछ सामान लेके आना है, सब्जी वगैरह। वही ये है माणिकपुर का भाजी मार्केट। तो गाइस मैंने यहाँ पे जो लेना था वो ले लिया है, भाजी ले ली, निकल रहा हूँ घर पे। ये है भाजी मार्केट। जो आ गया था ही। मैंने बोला ना 2 मिनट लगेगा बस। और ये देखो भाई, ये बचपन में फिरकी हम लोग बहुत घुमाते थे मेले में, जब भी जाते थे ये ज़रूर खरीदते थे। क्या आपने खरीदा है कमेंट करना भाई। फाइनली गाइस बच्चों का खाना लेकर आ गया हूँ मैं। बच्चों का मतलब जो स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाते हैं ना, तो उनका खाना लेने के लिए गया था। गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना। गाइज शाम के बज गए, बजने वाले हैं 5 और मैं निकल रहा हूँ अभी क्लास के लिए, क्योंकि एक क्लास करके फिर दूसरी क्लास में जाऊँगा। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल हैंडसम सर का ब्लॉग। लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। चलिए तो गाइस कैसा लग रहा हूँ मैं, और मेरे साथ आज है करण। तो करण को क्लास में लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे ट्रेनिंग दूंगा, उसके बाद फिर मैं अपनी क्लास में जाऊँगा। ऋषभ आ जाएगा, फिर मैं अपनी क्लास में निकल रहा हूँ। चलिए काम धंधे पे लगते हैं। तो गाइस मैं पहुंच गया हूं क्लास में और इतने ही बच्चे आए, बाकी कुछ बीमार हैं, कुछ गांव गए। तो चालू करते हैं क्लास, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस यहां पे मेरा सेशन कंप्लीट हो गया, बाकी का ऋषभ संभालेगा यहां पे, और अब मैं निकल रहा हूं वालियों की क्लास के लिए, क्योंकि वहां पे भी जाके मुझे ट्रेनिंग देना है बच्चों को। चलिए वालियों में मिलते हैं। तो गाइस मैं पहुंच गया हूँ वालियों में और आज हूँ यहाँ पे संडे की मार्केट, तो काफ़ी भीड़ लगी हुई है। तो गाइस मैं पहुंच गया हूँ क्लास में और ये देखो इतने ही बच्चे आए, अभी और आ रहे हैं ना। और हमारी क्लास में ना आज एक देखो हीरो आया है। क्या लग रहा है, एक्चुअली इसको आई फ्लू हो गया। सो गाइस जा रहा था और मेरे को ना गोभी बहुत पसंद है, खास करके गोभी के परौठे ज़्यादा पसंद है। तो सोचा भाई जाते जाते गोभी ले जाते हैं। आधा किलो 40। तो चलिए भाई गोभी ले लिए, और बटाना तो कल ले लिया था, छील विल के रखा हुआ है। मेरे साथ है विपुल, विपुल को छोड़ूंगा रेंज ऑफिस और फिर मैं निकलूँगा। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.